नमस्ते। भारत में खबरें लगातार जारी हैं। देखिए, देश का माहौल अभी चुनावी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों के बीच सियासी खींचतान और वार पलटवार का दौर चल रहा है। और इसी गहमा गहमी के बीच केंद्र सरकार देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है, लिहाजा ये प्रस्ताव भी चुनावी मुद्दा बन गया है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। सुना आपने, ये यूपी के संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान हैं, जिनकी उम्र 91 साल है। उम्र के हिसाब से बात करें तो सदन के सबसे उम्रदराज हैं, लेकिन इनकी सोच कैसी है ये आप खुद तय करिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसी सोच रखने वाले शफीकुर रहमान इकलौते हैं, उन्हीं की पार्टी में और भी हैं जो ऐसी ही मानसिकता के मालिक हैं। लड़कियों की, बच्चियों की और लेडीज की फर्टाइल एज जो होती है वो 16-17 से और 30 साल तक की होती है। आप और डिले कर रहे हैं उसको, और जब डिले होता है तो आमतौर से ये देखा गया है कि 17-18 साल में सबसे अच्छे पैगाम आते हैं और प्रपोजल्स आते हैं। ज़्यादा टाइम जब लग जाता है तो इनफर्टिलिटी का भी चांस होता है कि उनकी औलाद नहीं होती आगे चलकर, और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। ये बयानवीर भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन। खूब पढ़े लिखे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन महिलाओं की फर्टिलिटी को लेकर जैसी तकियानुसी सोच और जानकारी देश के सामने रख रहे हैं वो हैरान और निंदा करने वाला है। एसपी के बयानवीर अपनी सियासत को चमकाने के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने इसे निजी बयान बताते हुए किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है, तो समाजवादी पार्टी इस तरह के विचारों के साथ नहीं हो सकती है, वो विचार उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं। अखिलेश ने निजी बयान बताकर पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन इस मुद्दे पर तो लगता है कि पूरी समाजवादी पार्टी की एक ही राय है। अबू आजमी ने तो शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले को पाप पुण्य से जोड़ दिया। हमें ये बचपन से बताया गया है, जब से हम पैदा हुए हैं, कि जब लड़की बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता शादी कर देना चाहिए। यदि शादी मिल गई कहीं, उसका जोड़ा कहीं मिल गया, तो अगर आपने देर किया शादी करने में किसी चीज़ की वजह से, तो अगर लड़की या लड़के कोई गलत रास्ते पर चले गए, उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा, जिन्होंने उसकी शादी वक्त पर, शादी मिलने के बाद भी नहीं किया। अखिलेश यादव के नेताओं ने यूपी के चुनावी माहौल में बीजेपी को बैठे बिठाए हमला बोलने का मौका दे दिया, और बीजेपी ने मौके का पूरा फायदा उठाया। आज जो है वो हम लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, और देश की आधी आबादी के सरोकार के प्रति मजबूती के साथ, वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में चले जाएं, वहाँ का उनको जो है वो इतिहास भूगोल पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा सुधार और कितना बड़ा रिफॉर्म किया हुआ है अब तक दुनिया के तमाम देशों में। एक और हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का क्या चलन है? उनके इतने बुजुर्ग एक सांसद कहते हैं कि उम्र 18 से 21 जो विवाह की लड़कियों की गई है वो उनका वारा गर्दी के लिए एक मौका देगी। लड़कियों के चरित्र के ऊपर उनकी इतनी ओछी सोच होना, ये किसी सदी में मुझे बहुत ही शर्म आती है। यूपी में बीजेपी और अखिलेश में जंग छिड़ी हुई है, तो वही मुसलमान वोटरों के भरोसे यूपी में अपनी किस्मत आजमाने उतरे ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े। आप 18 साल की उम्र में कानून के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते, आप बिजनेस शुरू कर सकते, आप वोट डाल सकते। आप वोट जब डालते हैं तो आपको इख्तियार है कि आप किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे, किसको सांसद बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे। जब ये अख्तियार एक 18 साल के भारत के नागरिक को दिया जा रहा है तो वो अपना पार्टनर चूज कैसे नहीं करेगा? देश की सियासत में लड़कियों की शादी की उम्र पर जैसी जिरह हो रही है, उसे देखकर तो वाकई ऐसा लगता है जैसे लड़कियां कोई खिलौने की तरह हैं।
देश की आधी आबादी सालों से अपने अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रही है, ऐसे नेताओं के बयान उनके लिए बड़ा झटका है। ABP News, आपको रखे आगे।